Hey everyone, i Ayush Thakur on this side, and welcome you all to today's new execution video. So, today's date is 26th of May, Friday, and current time is 11.17 am. सो so, आज का अगर मॉर्निंग से बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे तो कंटिन्यूस बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर मार्केट्स ने सस्टेन किया है इर ऑफ द येस्टरडेज और लास्ट ट्रेडिंग सेशन मोमेंटम सो अगर कल का सेशन ऑब्जर्व करेंगे तो क्लोजिंग टाइम पर सडन पैनिक बाइंग आया एंड जहाँ पर एक दूर का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर मैंने बाय किया था सो so, जिसमें वी हैव बुक द प्रॉफिट ऑफ अराउंड सिक्सटी थाउजेंड एंड फर्दर इसको होल्ड नहीं किया गया क्योंकि काफी ज्यादा आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन को यहाँ पर पिक किया गया सो so, एक्सपेक्टेशन था मेरा कि आज के दिन मार्केट गैप अप हैविली हो सकता है इसलिए ये दूर का ऑप्शन यहाँ पर बाय किया गया बट आज सच ज्यादा बड़ा गैप अप देखेंगे तो आज के दिन क्रिएशन नहीं हुआ तो ये पर्टिकुलर पोजीशन को यहां पर मैंने एग्जिट किया है सो नाइनटीन थाउजेंड के कॉल ऑप्शन को यहां पर बाई किया गया तो जो काफी ज्यादा आउट ऑफ द मनी है सो so, आज का पोजीशन अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो सिमिलर जो आज का व्यू था बेस्ड ऑन द क्लोजिंग एनालिसिस कि कल का अगर ये क्लोजिंग देखेंगे तो जिस तरह का क्लोजिंग है और जिस पर्टिकुलर मोमेंटम में आया है देखिएगा वो काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है क्यों इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि क्यों,

जो भी मोमेंटम आने वाला है तो ये पर्टिकुलर मेजर रेंज यहां पर फॉर्म हुआ है आफ्टर दी कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम एंड इसमें नोटिस करेंगे तो सेम हॉल्ट एनालिसिस ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर क्या इंडिकेशंस मिल रहा है क्या कंक्लूजन है तो इजिली जो भी लोग हॉल्ट एनालिसिस जिन्होंने वॉच किया है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द होली स्पेशल वीडियो कि यहाँ पर मार्केट अगेन एंड अगेन हायर लेवल पर पुश करने की कोशिश कर रहा है सो so, एक्यूमिलेशन हो रहा है बाइंग साइड का पोजीशन बनाया जा रहा है इसलिए आफ्टर द रिट्रेसमेंट ये पर्टिकुलर सपोर्ट था जो बाइंग ट्रेंड में ही मार्केट ने क्रिएट किया अगेन हाई लगाने के बाद सेम सपोर्ट तक प्राइसेस रिट्रेस हुआ इसके बाद यहाँ से प्राइसेस हायर लेवल को होल्ड कर रहा है सो so, प्रीवियस के प्रीवियस डे भी एक सेलिंग आया बट मार्केट अगेन यहाँ पर रिकवर हुआ है सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर जो ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह का देखिए बाइंग आया एक तो हायर लेवल्स पर आया है और जब भी डिमांड होगा बायर्स एग्रेसिव होंगे तो प्राइसेस में क्या होगा डिमांड होगा बायर हायर लेवल पर खरीदने को तैयार होगा तो हायर लोस का क्रिएशन कब होता है जब बायर्स में भी कॉम्पिटिशन होता है तो वहां पर एक हायर लो का क्रिएशन होता है कि बायर हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार था तो लास्ट जो यहां पर बायर था वो कहां पर था जिसने डोमिनेशन किया वो इन पर्टिकुलर लोस पर था तो इन लो से अगर देखेंगे तो प्राइसिस हायर लेवल पर ट्रेड हो रहा है एंड जिस तरह का बाइंग आया है तो ये काफी एग्रेसिव या पैनिक एक्ुमलेशन यहां पर किया गया है सो so, हायर लो के क्रिएशन के साथ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सडन मोमेंटम है कंटिन्यूस मोमेंटम है क्लोजिंग में बाइंग साइड का सो so, इसी बेस पर आज के दिन एक हैवी अप यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या बाइंग मोमेंटम का ही बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी था जब काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है तभी पोजिशन को वहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है तो यहाँ पर बट आज के दिन देखेंगे हैवी गैप अप नहीं हुआ बट मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू किया है एंड अगेन पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साइन के साथ ब्रेकआउट को कंटिन्यू किया है तो इसलिए मॉर्निंग से वेट किया गया है कन्फर्मेशन देखेंगे तो कब आया है अगेन ये पर्टिकुलर छोटे से हॉल्ट के बाद जब अगेन प्राइसेस पुशिंग ऑन टू द अपर लेवल तब यहाँ पर कन्फर्मेशन आया है कि आज के दिन मार्केट बाइंग साइड के मोमेंटम को सस्टेन करेगा सो so, इसी बेसिस पर बाइंग पोजीशन आज का बनाया गया है तो सेवन थाउजेंड हमारा क्वांटिटीज है वीकली एक्सपायरी लिया गया है टू ट्वेंटी टू का एवरेज प्राइस है सो करंट ओवरऑल पीएनएल देखेंगे तो इट्स रनिंग इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड टू लैक एटी थाउजेंड रुपीज सो so, हम वेट करेंगे जो एक्सपेक्टेशन यहाँ से है कि ये मार्केट में यहाँ से कंटिन्यूशन होना चाहिए ये पहला रेजिस्टेंस मार्केट फेस किया है फ्टर दिस पर्टिकुलर हॉल्ट ब्रेकआउट सो मिनिमम यहां जो एक्सपेक्टेशन है कि ईजिली मार्केट यहां से ये पर्टिकुलर रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना चाहिए सो so वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे एंड ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेक यहाँ पर हम अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो so इसके पहले वाला ब्रेकआउट आप सभी को यहां पर अपडेट किया गया ऑन टू द टेलीग्राम चैनल जब ब्रेकआउट आने लगा तो ये कन्फर्मेशन पॉइंट है तो कन्फर्मेशन पॉइंट को शेयर किया गया कि ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूशन इज एक्सपेक्टेड तो ब्रेकआउट तो देख सकते

एनी बिहेव यर टारगेट एक्सपेक्टेशन इज बिटवीन से अराउंड थ्री पॉइंट फाइव लैक रुपीज सो लेट्स वेट ऑब्जर्व ओके सो करेंट टाइम इज इलेवन डॉट थर्टी एट एम एंड एक्सपेक्टेड टारगेट रेशियो आ गया है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ब्रेकआउट बाइंग साइड का यहां पर कंटिन्यू किया है तो ऑर्डर को रेडी रखेंगे टू सिक्सटी सेवन है लास्ट क्रेडिट प्राइस तो टू सिक्सटी यहाँ पर रख सकते हैं सो so, ऑर्डर्स को यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा ओके सो सक्सेसफुली हियर आई हैव एग्जिटेड टूडेज ऑर्डर तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेड आज के दिन मार्केट्स में रहा एंड ओवरऑल अगर कल का भी पोजीशन इंक्लूड करेंगे सो वी हैव बुक द टारगेट ऑफ अराउंड थ्री लैक सेवेंटी फाइव रुपीज इन टूडेज एग्जीक्यूशन सो कंटिन्यूशन देखिए इतना मोमेंटम होने के बाद भी कंटिन्यूशन क्यों एक्सपेक्टेड था सो so, सबसे पहले यहाँ पर मैं एग्जिट को टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा

फ्टर एक्सिटिंग ऑल्सो हिस्सर आई है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड कोर्सेस को भी चाहेंगे तो डीपली उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये पर्टिकुलर हॉल्ट एनालिसिस को एनालाइज किया जाता है तो मेंबरशिप सेशन में सारे पॉसिबल स्विंग एनालिसिस को वहां पर शेयर किया गया है कि कैसा क्रिएशन होगा या किस तरह का स्विंग है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी मार्केट में हो सकता है सो मेंबरशिप सेशन एंड अदर कोर्सेस का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चाहे तो आप उसको भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट कर सकते हैं एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाई टू ऑल एंड सी